हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के संगे। खबर मऊगंज से हवाई, जहां के सिविल अस्पताल के डॉक्टर MW मंसूरी एक टीम बनाई के डिहवार, खैरा और तमरी गांव में ही छापा मारे। अपना को बताई दे के टीम के आवे के भनक लगता है, इलाका में ही हड़कंप मच गया। सब अपन अपन दुकान बंद करके वहां से गायब हो गए, जिसके बाद टीम क्लिनिक के बाहर नोटिस चपकाए के सूचना दीहीन के दुई दिना के भीतरे सलगे कागजात लेके कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल मऊगंज में जाए के जमा करामा। वह छापा पड़े के भनक लगता है, दुकान चलावे वाले सब अपन अपन दुकान बंद करके भाग गए, जहां टीम का बंद दुकान के बहिरे नोटिस चपकाए पड़ा। किस उद्देश्य यहाँ आए हैं? हम यहाँ पे, हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ एक अवैध क्लिनिक संचालित की जा रही है, लोगों का इलाज किया जा रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी सिलसिले में हम यहाँ पे जांच दल के साथ यहाँ किसी के द्वारा सूचना दी गई कि आप खुद जांच करने के लिए आए हुए थे? कई बार हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसी के आधार पर हम यहाँ पे जांच के लिए आए हुए हैं। जी जी जी, तो जांच के उपरांत आपने कुछ कार्यवाही की या देखे जांच के बाद क्या हुआ? जांच के दौरान देखा गया कि जैसा आप देख रहे हैं कि क्लिनिक बंद है, खास पड़ोस से पता किया कि यहाँ पर क्लिनिक संचालित हो रही है अवैध तरीके से। हमने नोटिस चस्पा किया है, उनको समय दिया है 3 दिन के अंदर समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित हों, अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। सीधी जिला के एक नाबालिग बिटिया के संगे रीवा से दुष्कर्म कराए के मामला समूह आवा है। अपना कम बताई के सूत्रन के मानी था 7 दिना पहले एक आरोपी बिटिया का झांसा दे के रीवा ले आवा रहा, जहां बस स्टैंड में खड़ी एक बस में ले जाए के रेप करिस। वह बिटिया दूसरे दिन आरोपी के चंगुल से छूट के अपने घरे पहुंची, असल की आप बीती अपने परिजनन का बताई, जिसके बाद महिला पुलिस अधिकारी बयान ले के मेडिकल करवाई नहीं बे। ये मामला में ही समान पुलिस आरोपी लड़का के ऊपर IPC के धारा 376 और पाक्सो के एक्ट दर्ज करके गिरफ्तार कर ली है। बुलेटिन की अगली खबर रही रीवा से, जहां के तेउथर तहसील में ही घरे के बहिरे सोवे वाले एक लड़का के हत्या कर दी गए। अपना को बताई दे के लड़का रात के अपने घरे के बहिरे सोवत रहा, जोने के बिहन्ने लहुलुहान हालत में ही शव मिला है। वहाँ युवक के पहचान मालिक आदिवासी के तौर मकीन गई है, जेखर धारदार हथियार से हत्या करे के सबूत मिले हमा। वहाँ हत्या करे के बाद आरोपी वहाँ से भाग गए, अब पुलिस संदेहिन के खोजबीन कर रही है। हत्या के कारण अब मालूम नहीं आई, घटना सुहागी के शाहपुर गांव की बताई जाती है। रीवा सीधी सड़क माही मोहनिया घाटी माही रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट से लेके हनुमान मंदिर तक के कच्ची रोड के सुधार की जाला है। अपना का बताई थी कि समय कलेक्टर मनोज पुष्प सड़क के निरीक्षण करे रहे, जिसके बाद जो सड़क में गड्ढा पाए गए रहे ओका भरे के निर्देश दिए रहे। कलेक्टर के निर्देश दिए के बाद अब सड़क के सुधार के काम चालू भाव है। अपना का बताई दी कि 24 घंटा के भीतर है ये सड़क माही 3 बड़ा हादसा भरा है, जोने माही सोलर प्लांट के समूह छुया घाटी और सुहागी थाना माही बस पलट गई रही है, जोने माही कई अठे यात्रियों के जानो चली गई रही है। वहाँ कई अठे घटनन के बाद प्रशासन की आंखी खुली है और अब मरम्मत के काम चालू भा है। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है, जहाँ अठे चोरी की बुलेरो का पुलिस अपने तत्परता से 24 घंटा में जब्त कर ली। अपना को बता दें कि 10 जून का चंद्रमणि प्रसाद पटेल जो उनके भदौवा के रहने वाले आई वो अपने बुलेरो के चोरी होए के शिकायत दर्ज कराए रहे, जोने में बताए रहे कि 9 जून के रात करीब 11:30 बजे रतहरा के लगे अपने भाई के घरे के समूह अपन गाड़ी खड़ी कर दिए रहे हम, जिसके बाद सवेरे जब उनकर आंखी खुली था बुलेरो वहां से गायब रही। बुलेटिन की अगली खबर रामपुर बघेलान से है, जहां के वेकेशन वैली वाटर पार्क रुहिया माही खूब मारपीट है। अपना को बताई दी के मारपीट माही महिला और लड़कनों का चोट आई है, जहां दुई लड़कन के हालत गंभीर बनी है। बतावा जाता है कि वाटर पार्क माही पहले था महिलन के संगे छेड़छाड़ कीन गए और के बाद उनके साथ मारपीट की गई है। वहां मौका माही पुलिस नहीं पहुंची रही, देखा या जाए कि अब ये मामला माही का कार्रवाई होती है। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहे मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।